फिल्म की शुरुआत में हम खुले मैदान में मौजूद एक लोकल फार्म को देखते हैं जिसका नाम बानयार्ड होता है। वहाँ बहुत तरह के जानवर जैसे काउज, पिग्स, हेंस आदि मौजूद होते हैं, पर जैसे ही उनका ओनर किसी काम से बाहर जाता है तब उसकी गैर मौजूदगी में सभी जानवर दो पैरों पर खड़े हो जाते हैं। वो सभी आपस में एक दूसरे से इंसानों की तरह बात किया करते थे। वहीं हम उस फार्म कम्युनिटी के लीडर बेन को देखते हैं जो बहुत ही जिम्मेदार जानवर था। वो वहाँ सभी से अपने अडॉप्टिव सन के बारे में पूछ रहा होता है जिसका नाम ओटिस था। ओटिस बहुत ही बेपरवाह और फन लविंग काउ था जिसे किसी भी तरह की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं था और वो अपने फार्म के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज मस्ती कर रहा होता है। दूसरी ओर बेन ने फार्म के सभी जानवरों को मीटिंग के लिए बुलाया होता है, तभी ओटिस मस्ती करते हुए वहाँ आ पहुँचता है। बेन उसे शांति से वहाँ बैठने को कहता है और सभी को बताता है कि वुल्फ सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए वो वुल्फ के शिकार से बचने के लिए उन्हें कुछ रूल्स बताता है, जैसे सभी को ग्रुप्स में रहना था और किसी को भी फेंस से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, और इसी के साथ वो मीटिंग एंड हो जाती है। पर सभी के वहाँ जाने के बाद बेन ओटिस को वहीं रुकने को कहता है और उसे अपने वही रूल्स दोहराता है, पर ओटिस को इस बात की कोई चिंता नहीं थी और वो उनसे कहता है कि जब मैं यहाँ का लीडर बनूंगा तब यहाँ की किसी भी जानवर को अपने बचाव के लिए मदद की जरूरत नहीं होगी और वो अपनी रक्षा खुद कर सकेंगी। तब बेन उसे एक बात कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान सिर्फ खुद की रक्षा करता है, पर एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्गर इंसान अपने पूरी कम्युनिटी की रक्षा करता है। पर ओटिस इस बात को हल्के में लेते हुए वहाँ से वापस मौज मस्ती करते हुए निकल जाता है। वहीं जब वो मैडी नाम की एक क्यूट चिक के साथ खेल रहा होता है तभी उसकी नजर डेजी नाम की एक प्रेग्नेंट काउ पर पड़ती है जो रिसेंटली उस फार्म पर अपने फ्रेंड बेसी के साथ शिफ्ट हुई थी। ओटिस को डेजी बहुत अच्छी लगती है इसलिए वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर बेसी डेजी को वहाँ से लेकर चली जाती है। उसी रात जब उनका ओनर सो जाता है तब बेन सभी को इसकी खबर देता है और जल्दी सभी जानवर एक साथ बाड़ में यूनाइट हो जाते हैं और साथ मिलकर वाइल्ड पार्टी शुरू कर देते हैं जिसे डेजी और बेसी भी अटेंड करते हैं। पर बेन वहाँ नहीं आता क्योंकि वो बाकी के जानवरों की वुल्फ से सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा होता है। तभी वहाँ ओटिस आ जाता है और वो दोनों साथ में थोड़ी बात करते हैं, जहाँ बेन ओटिस को बताता है कि किस तरह जब वो बचपन में अकेला था तब उसने उसे अडॉप्ट किया था और तब से ही वो यहाँ रहकर उसकी और बाकी के जानवरों की हिफाजत करता है, और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। पर ओटिस पार्टी के लिए लेट हो रहा होता है इसलिए वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है और उस पार्टी में पहुँच कर वहाँ खूब एंजॉय करता है। वहीं बेन जो फेंस लाइन को गार्ड कर रहा होता है तभी कुछ भेड़िए मौका पाकर हेंस का शिकार करने आ जाते हैं, पर सही समय पर बेन वहाँ आ जाता है। लेकिन उन भेड़ियों का लीडर डैग बेन को अकेला समझकर उसे अंडरएस्टिमेट करता है और सभी मिलकर बेन पर अटैक कर देते हैं जिन्हें बेन बड़ी आसानी से संभाल रहा होता है, पर उनकी तादाद ज्यादा होने के कारण बेन जिस दौरान उनसे फाइट कर रहा होता है तभी डैग उसे बाइट कर देता है। लेकिन उसके बावजूद भी बेन हार नहीं मानता और उन सबको अच्छा सबक सिखाता है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और उस जख्म के कारण बेन वहीं गिर जाता है। ओटिस को जब इसकी खबर मिलती है तब वो भागते हुए बेन के पास आता है, पर आखिर में बेन की वहीं डेथ हो जाती है और फार्मर उसकी बॉडी को हिल साइड की ओर दफना देता है। सभी जानवर भी उसकी कुर्बानी के लिए उसे ट्रिब्यूट देने आते हैं। बेन के जाने के बाद ओटिस बहुत दुखी हो जाता है और उसे बहुत मिस कर रहा होता है, पर उसके बाद फार्म के जानवरों को अपने नए लीडर की जरूरत थी और क्योंकि बेन हमेशा से ये चाहता था कि उसके बाद ओटिस वहाँ का इंचार्ज बने, इसलिए ओटिस को वहाँ का इंचार्ज बना दिया जाता है। लेकिन ओटिस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी तैयार नहीं होता, पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उसी दौरान उनका ओनर फार्मर वहाँ आकर उन सभी को उस पोस्चर में देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करता है ओटिस का दोस्त फ्रेडी उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और वो उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं जिससे फार्मर को ये लगे कि वो बस उसका सपना था और उनका ये तरीका काम कर जाता है। इसके बाद ओटिस फ्रेडी और पैक पर फार्म की जिम्मेदारी देकर घूमने निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे फार्म के 3 जर्सी काउज मिलते हैं। तभी उनकी नजर 3 शरारती बच्चों पर पड़ती है जो एक काउ को घास चरते समय परेशान करके भाग जाते हैं। ये देखकर जर्सी काउज को बहुत गुस्सा आता है और वो बेन को उन बच्चों को सबक सिखाने के लिए कन्विंस करते हैं। बेन भी उनकी बातों में आ जाता है और वो फार्म से कुछ दूर एक घर से वहाँ मौजूद कार को चुपके से चुरा लेते हैं और उसमें बैठकर उन बच्चों का पीछा करते हैं, और जिस बच्चे ने उस काउ को परेशान किया था वो उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से डरा कर वहाँ से निकल आते हैं।
पर रास्ते में ओवर स्पीड के कारण पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है और उन्हें लगता है कि उस कार को कुछ लड़के ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए वो उनका पीछा करते हैं। पर तब वो जैसे तैसे आखिर में अपनी समझदारी से पुलिस से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और उस टूटे हुए कार को वापस लाकर उसी घर के पास लगा देते हैं। ओटिस और बाकी सभी उस शरारती लड़के को सबक सिखाकर बहुत खुश थे। उनके जाने के बाद ओटिस अपने डैड बेन की तरह फेंस लाइन को गार्ड करने के लिए वहाँ रुक जाता है। तभी डेजी वहाँ आ जाती है। ओटिस उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ डेजी उसे अपने बारे में बताती है कि उसके हस्बैंड और उसके बाकी के झुंड एक स्टॉर्म में मारे गए, पर फॉर्चुनेटली वो और उसकी दोस्त बेसी इस हादसे में बच गए, जिसके बाद वो दोनों यहाँ आ गए। तभी ओटिस देखता है कि भेड़ियों की वही झुंड एक खरगोश का पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उनके पास पहुंचता है। वो खरगोश तो उनसे बच निकलता है, पर जैसे ही ओटिस उन्हें देखता है वो बहुत डर जाता है। डैक को जब पता चलता है कि वो बेन का सन है तब वो उसका मजाक बनाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि बेन के कंपैरिजन में ओटिस कितना बेपरवाह है। डैक उसे कमजोर समझकर उससे एक डील करता है कि वो कभी कभी फार्म आकर वहाँ से कुछ एनिमल्स को ले जाया करेगा और ये बात सिर्फ उन तक ही सीक्रेट रहेगी, और अगर वो जरा सी भी हिम्मत दिखाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बेन डर कर शांति से उनकी पूरी बात सुन रहा होता है। ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ओटिस दुखी होकर अपने डैड के ग्रेव के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप एक ग्रेट डैड और ग्रेट लीडर थे, पर मैं आपके जितना बहादुर और रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर आज आप यहाँ होते तो उन भेड़ियों का डटकर सामना करते, पर मैं उनके आगे कमजोर पड़ गया, इसलिए मैं अपने फार्म के जानवरों का लीडर बनने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। और अगले दिन वो ड्यूक को वहाँ का इंचार्ज बनाकर वहाँ से जाने वाला होता है। तभी डेजी उसके पास आती है और उसके वहाँ से जाने का कारण पूछती है। तब ओटिस उसे बता देता है कि यहाँ सभी उस पर ट्रस्ट करते हैं, पर वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं है। डेजी के समझाने के बाद भी वो अपना फैसला नहीं बदलता और वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो भेड़िए मैडी नाम की छोटी चीक के साथ और भी कुछ हेंस को वहाँ से ले गए हैं। तब ये सुनकर ओटिस उन्हें बचाने का तय करता है और अकेले ही उन भेड़ियों का मुकाबला करने निकल जाता है। वहीं भेड़ियों ने अपने इलाके में सभी हेंस को बांध रखा होता है, और जैसे ही डैग मैडी को खाने वाला होता है तभी बेन वहाँ आ जाता है, जो उसे गुस्से से सभी हेंस को वहाँ से जाने देने को कहता है। तब डैग सभी भेड़ियों को उस पर हमला करने के लिए भेजता है। ओटिस इस बार सभी का डटकर सामना करता है, पर भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी, जिसका फायदा उठाकर डैग उसे भी बेन की तरह बाइट कर देता है और ओटिस भी घायल होकर वहीं गिर जाता है। पर जब वो भेड़ियों को हेंस की ओर बढ़ता देखता है तो वो अपने डैड की बात याद करके उनके लिए हिम्मत करके उठ खड़ा होता है। पर तभी डैग देखता है कि ओटिस के पीछे उसके दोस्त भी वहाँ आ चुके थे। उतने में वहाँ तीनों जर्सी काउज भी उस कार से वहाँ आ जाते हैं, जिससे बेन को भी बहुत हौसला मिलता है और वो अपने मिनी दोस्तों को भी इन्फॉर्म करके वहाँ बुला लेता है, और उन सभी के कम्बाइंड एफर्ट के कारण सभी भेड़िए उनके आगे कमजोर पड़ते हैं। एक समय पर डैग ओटिस पर पीछे से हमला करने वाला होता है, पर सही समय पर ओटिस को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है, पर वो डैग को वापस कभी भी फार्म पर ना आने का वार्निंग देकर छोड़ देता है, और इस तरह से वो उनसे अपने डैड की मौत का बदला भी ले लेता है। पर जब वो सभी हेंस को रेस्क्यू करके फार्म की ओर जा रहे होते हैं तब ओटिस को पता चलता है कि जब से वो वहाँ से गया था उसके बाद से ही डेजी को लेबर पेन होना शुरू हो चुका था, इसलिए वो टाइम पर वहाँ पहुँचने के लिए एक जगह डाइनर से कुछ बाइक्स को चुरा लेते हैं और उससे सैर करते हुए जल्दी फार्म तक पहुँच जाते हैं, जहाँ ओटिस देखता है डेजी ने एक काफ को जन्म दिया था और वो उसका नाम ओटिस के डैड के नाम पर बेन रखती है। ओटिस को भी ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। आखिर में सभी के कहने पर ओटिस वहाँ से जाने का अपना विचार बदल लेता है और तय करता है कि वो वहीं रहकर अपने डैड की तरह फार्म के सभी जानवरों की रक्षा करेगा, और सभी जानवर भी उसके इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।